हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मखान के खीर। कहीं पर इसे मखाने भी बोलते हैं और कहीं पर मखाना भी, पर हम लोग इसे मखान बोलते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी घी डालकर काजू बादाम और किशमिश को डालकर हल्का सा इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसे रोस्ट करके इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसी कढ़ाई में आधी चम्मच घी डालकर मखान को कुरकुरा होने तक मैं भून लूँगी। ये देखिए, हमारी मखान कुरकुरा हो गई है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल करके रख दे रही हूँ। यहीं पर देखिए, गैस पर मैं मलाई वाली दूध चढ़ा दिए। मलाई वाली दूध है, इसे बॉयल होने के लिए मैंने गैस पर रख दी है। अब मैं मखान को मिक्सर में दरदरा चला लूँगी। ये देखिए, हमारी दूध में बॉयल आ चुकी है। अब मैं इसमें मखान को डाल दूँगी। अब मैं इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे मैं इसे पकाऊँगी गाढ़ी होने तक। ये देखिए, धीरे धीरे मैं इसे पकाती रहूँगी। ये देखिए, हमारी खीर अब गाढ़ी होने लगी है। देखिए, हमारी खीर अब गाढ़ी होने लगी है। अब मैं इसी में आधी कटोरी से थोड़ी सी कम मैं इसमें चीनी डाल दूंगी और चला करके थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब फिर से मैं चला करके ये ढक दूंगी। ये देखिए, हमारी खीर कितनी सुंदर बनी है। फ्रेंड्स, ये खीर व्रत में भी खाई जा सकती है और हेल्दी और टेस्टी दोनों होती है। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स के साथ कितनी सुंदर हमारी खीर लग रही है। अगर आप सब लोग को हमारी ये खीर की रेसिपी पसंद आई हो, मखाने की खीर की रेसिपी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।